सब उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों 12 अप्रैल सोमवार के दिन है सोमवती अमावस्या। बहुत 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 बढ़िया दिन है तंत्र मंत्र को दूर करने का, घर की नेगेटिविटी को हटा देने का और तमाम उन चीजों को अचीव करने का जो आप वर्षों से चाहते हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जैसे कि होली है, दिवाली है, अमावस्या है, अमुक जो ग्रह नक्षत्र पड़ते हैं, यदि उन दिनों में आप अमुक क्रियाओं को करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बाकी दिनों से ज़्यादा मिलता है और कहीं ज़्यादा मिलता है, जो आपकी लाइफ को बना देता है। आज आपको जो उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय आपको लाल धागे से करना है। कैसे करना है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज अवश्य ही बताऊं कि सोमवती अमावस्या है तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाना बिल्कुल भी ना भूले। यदि कोरोना की वजह से आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में शिव जी के ऊपर दूध का अभिषेक करें, काले तिल मिला करके कच्चा दूध आप उन्हें चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप जाप करें, भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करें। पितरों के नाम पर एक लोटा जल काला तिल मिला करके अवश्य ही आप उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितृ शांत होते हैं और घर में 3, 7 और 11 ये 3 अध्याय भगवत गीता के पढ़ना बिल्कुल भी ना भूले। जो लोग पितृदोष को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, जो जानते हैं कि उनके घर में परेशानी पितरों की वजह से है, अगर आपके पितृ खुश नहीं है तो आपके घर में कले ही कले रहेगा, किसी भी काम में कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा हमेशा आप दुखी ही दुखी रहेंगे, हर जगह असफलता ही मिलेगी, लांछन लगेगी, किसी भी काम में आपको यश नहीं मिलेगा, ढेरों 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 मुसीबतों को आप फेस करते हैं जब पितृ दोष आपके ऊपर लगते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन इतनी क्रिया अवश्य ही करें और घर में आप चावल बनाएं, चावल के ऊपर थोड़ा सा दही डालें, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डालें और एक पत्तल में ये तीनों चीज को लेकर के जाएं और पीपल के पेड़ पर आप उसे रख दें। जब घर से आप इन चीजों को लेकर के निकलते हैं तब आप आवाज लगाएं अपने पितरों को या आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है उसे कि आपको मेरे साथ चलना है, मैं आपको इस जगह भोजन देता हूँ या देती हूँ, आपको मेरे घर पर नहीं रहना है, मेरे घर को आप मुक्त करो, मेरे घर को आप परेशान मत करो, मेरे परिवार जनों को आप खुश रहने दो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये तीनों ही चीजें लेकर के निकलनी है। तीनों चीज मैं फिर से रिपीट कर दूं, चावल, उसके ऊपर दही और उसके ऊपर सिंदूर डाल देना है, ठीक है। दिया बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, आपको अगरबत्ती लेकर के जानी है, अगरबत्ती लोबान की बिल्कुल भी नहीं ले जाना, कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती लेकर के आप जाएं। जाकर के ये चीज आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और वहां आप बोले कि जो भी आत्मा मेरे घर में वास कर रही है अब से वो यहाँ रहे इस पीपल में और यहाँ बैठ करके खाए, यदि तुम यहाँ बैठ करके इस चीज को खाओगे, मेरे परिवार को परेशान नहीं करोगे तो मैं हर अमावस्या आपको यहीं पर खाना देने के लिए आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो भी आपका घर छोड़ करके चली जाएगी। और इस दिन जो आपको मैं उपाय बता रही हूँ बहुत आसान है, बहुत सरल है, कर लेने के लायक है, कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं रहेगी, आपके परिवार के ऊपर नहीं रहेगी, आपके ऊपर यदि आपकी लक्ष्मी को भी बांध दिया गया है तो वो भी दूर हो जाएगा और पैसे आपके पास कंटिन्यू आना शुरू हो जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। तो जो नए नए व्यूवर्स है मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहां किसका भला हो जाए। बेल आइकन अवश्य ही दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। दोस्तों आपको सोमवती अमावस्या के दिन में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन यदि सुबह या शाम को करेंगे तो ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। आपको रेड कलर का एक धागा लेना है, क्या करना है, रेड कलर का आपको एक धागा लेना है। आपके घर में जो भी शिवलिंग हो उस शिवलिंग की आपको करनी है पूजा। सबसे पहले आपको सादा जल अर्पित करना है भगवान शिव को, उसके बाद में काले तिल मिलाया हुआ कच्चा दूध, फिर से सादा जल और उसके बाद में आपको चंदन उन्हें लगा देना है, उन्हें पुष्प अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, मिश्री अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। उसके बाद आपको लाल धागा भगवान शिव जी के सामने रख देना है, उनके शिवलिंग के ऊपर ही आपको लाल धागे को रख देना है, बराबर। और आपको मंत्र बोलना है ओम होम जुम श, क्या बोलना है बहुत ध्यान से सुनना, सुनने में गलती मत करना, ओम होम जुम श। यदि ये मंत्र याद नहीं रहता है तो आपको बोलना है
ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। ओम नमः शिवाय। 108 बार आपको दोनों में से कोई भी एक मंत्र बोल लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप उस धागे को उठाएं और उसमें आपको 16 गांठें लगा देनी है। गिन करके आपको उसमें 16 गांठें लगा देनी है और हर गांठ के ऊपर आपको उंगली रख करके 16-16 बार इसी मंत्र को बोलना है जो मंत्र मैंने आपको बताया है। दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप पसंद कर लें, जो आप बोल सकते हैं आप इस मंत्र को बोलें। जो लोग ये दोनों मंत्र ही नहीं बोल सकते हैं वे लोग साधारण ढंग से ओम नमः शिवाय बोले। जो लेडीज से वे लोग ओम शिवाय नमः ऐसा बोले, ठीक है। हर गांठ के ऊपर 16-16 बार इस मंत्र को बोलकर आपको इस धागे को करंट कर लेना है। उसके बाद में फिर से इस धागे को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, इसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी मुसीबत है, जो भी ग्रह नक्षत्र मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिविटी, पितृ, जो भी शत्रु मुझे परेशान कर रहे हों, सब मुझसे दूर हों। जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं वे तमाम लोग मेरी जिंदगी से अब दूर हट जाएं। मुझे धन मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, जो मैं चाहता हूँ मेरी हर इच्छा पूरी हो। इस तरीके से मतलब कि प्रार्थना आपको करनी है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी प्रार्थना करनी है, किस चीज को लेकर के आप परेशान हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। तो आपको अपनी परेशानी अपनी भाषा में बोलना है, ठीक है। और आप उसके बाद आपको अपनी सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है और इस धागे को उठा करके आपको अपने गले में या अपने राइट हैंड में बांध लेना है। जो महिलाएं वो अपने लेफ्ट हैंड में बांध लें, बराबर। उसके बाद 1 महीना तक आपको इस धागे को अपने गले में या हाथ में बांध करके रखना है कंटिन्यू। जब अगली अमावस्या आती है 1 महीने बाद, जब फिर से अमावस्या आएगी उस दिन आपको इस धागे को उतारना है और इस धागे को उतार करके आपको 7 बार अपने ऊपर से उवार लेना है और किसी निर्जल स्थान में आपको जाकर के थोड़ा सा गड्ढा करके इसको गाड़ देना है। समझिए आपकी जिंदगी से परेशानी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कोई भी चीज लाइफ टाइम आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, ठीक है। ऐसी जगह चुनना जहां लोगों का आना जाना ना हो, बिल्कुल निर्जन स्थान हो, वहां जाकर के आपको ये धागे को 1 महीने के बाद अमावस्या वाले दिन ही गाड़ देना है। किसी भी समय आप गाड़ दें, बहुत आसान उपाय है, कर लेने के लायक है। फिर भी समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।